असलम दोस्तों मैं तनजीम अहमद इस्कॉर फार्मेसी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 2021-22 में जो क्वेश्चन पेपर आया था हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट था इसमें पार्ट ए जो था उसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है इस पर वीडियो भी हमने बना दिए अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया आप देख सकते हैं आइए आज सॉल्व करते हैं पार्ट बी को पार्ट बी का पहला क्वेश्चन डिस्कस द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के का आपको स्कोप लिखना है तो सिंपली आपको क्या करना है एनाटॉमी की हल्की डिफिनीशन दे दें दे एक लाइन की और फिर उसका स्कोप लिख दें फिजियोलॉजी की एक लाइन की डिफिनीशन दे दें दे और उसका स्कोप लिख दें डिफीशन क्या होगी एनाटॉमी की कि हम बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं हम उसके स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करें ठीक है तो उसे एनाटॉमी कहते हैं फिजियोलॉजी क्या कहते हैं वही जो ऑर्गन्स हैं सिस्टम हैं वो कैसे वर्क करते हैं मतलब फंक्शन तो हम फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी स्ट्रक्चर की स्टडी कहते हैं फंक्शन फिजियोलॉजी क्या है फंक्शन की स्टडी कहते हैं अब एनाटॉमी का स्कोप देख लें कि हम किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं अगर हम स्ट्रक्चर की स्टडी किए हैं तो हम किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं वही कहलाता है आपका स्कोप तो यहाँ पर हम चार स्कोप आपको दे रहे हैं और भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं पहला है ग्रॉस एनाटॉमी मतलब हम ऐसी स्टडी जो नेकेड आई से की जाए बिना किसी यंत्र की सहायता से हम जब स्टडी करते हैं किसी स्ट्रक्चर की जैसे आपके स्केल्टर मसल की स्टडी करनी हो किसी ए, अदर मसल या बोन की या किसी सिस्टम की स्टडी करनी हो और उसमें हम किसी यंत्र या किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता ना लें तो ऐसे स्टडी को ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं दूसरा है एनाटॉमी ऐसी स्टडी या ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी जिसमें हम नेकेड आई से उसकी स्टडी कर ही नहीं सकते मींस कि हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़े तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जिस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाता है जैसे हम सेल की अगर स्टडी करें तो बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम कर नहीं पाएंगे ऐसे टिश्यू की स्टडी करें तो बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के हम कर नहीं पाएंगे ठीक है और अदर जो आपके सेल के अंदर जो सेलोर कंपोनेंट्स होते हैं उसकी भी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी स्टडी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं ठीक अगला है डेवलपमेंटल एनाटॉमी इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर के ग्रोथ के दौरान स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उस चेंजेस की स्टडी को डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं मतलब जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन है या आपके सेल्स हैं इस सब में ग्रोथ के दौरान डेवलपमेंट के दौरान जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी को डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहते हैं ठीक है एग्जांपल के तौर पर जैसे एम्ब्रियो की स्टडी हम करते हैं अर्ली स्टेज में बेबी का जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें स्टडी कहते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है ना तो डेवलपमेंटल एनाटॉमी हुआ लास्ट इसमें कंपरेटिव एनाटॉमी इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को की स्टडी करते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम हम कंपेयर कर रहे होते हैं ठीक है तो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं उस स्पीसीज़ में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इस स्टडी को कहते हैं कम्परेटिव इनाटमी अगला इसमें फिजियोलॉजी तो जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन की स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी मतलब जो आपका ऑर्गन है जो आपके टिश्यू हैं सेल्स हैं ये सब कैसे कार्य कर, कर रहे होते हैं और इसी की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं अब पहला पॉइंट इसमें सेल फिजियोलॉजी तो हम सेल कैसे फंक्शन करता है उसकी स्टडी को सेल फिजियोलॉजी कह लें ठीक है अगला है ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी इसमें क्या है कि ऑर्गन कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो ये परस्पर कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं इसकी स्टडी को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी मतलब एक दूसरे से कैसे ये कनेक्टेड है ठीक है कैसे एक दूसरे से इंट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसकी स्टडी जो फोकस किया जाता है इस स्टडी को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी अगला है पैथोफिजियोलॉजी तो डिजीज़ या डिसऑर्डर के दौरान जब नॉर्मल जो फिजियोलॉजी में चेंज आता है बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो चेंज आता है इसकी स्टडी को हम पैथो कहते हैं कि क्या है मैकेनिज्म कि जिसके चलते चेंजेस आ रहे हैं उसमें और हमारी बॉडी डिजीज़ से ग्रस्त हो रही है बीमारी से ग्रसित हो रही है इसकी स्टडी को कहते हैं हम पैथो फिजियोलॉजी अगला है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक्सरसाइज करते हुए कैसे या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमारी बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है या हमारे जो ऑर्गन्स हैं कैसे वो फंक्शन है, करते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं इसकी स्टडी को कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी तो ये कुछ आपके थे स्कोप एनाटमी और फिजियोलॉजी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट ये जो कि तीन नंबर में पूछा हुआ है कि ज्वाइंट का डिसऑर्डर को आपको डिस्क्राइब करना है कि ज्वाइंट में क्या क्या समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट में दिक्कत आती है आपको पता है कि जब बोन परस्पर कहीं पे मिल रही होती है तो वहाँ पे ज्वाइंट बनता है और वही है कि मूवमेंट कराता है आपके हाथ पैर का मूवमेंट वही ज्वाइंट्स की वजह से हो पाता है अब जब इसी ज्वाइंट में इंफ्लामेशन uh, हो या किसी और कारणवश यहाँ पेन स्टिफनेस ये सारी चीज़ें आ जाती है तो मूवमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो देख लेते हैं कौन कौन सी डिजीज़ है या डिसऑर्डर है पहला है आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस बहुत कॉमन बीमारी है अर्थराइटिस एक तरह की कॉमन बीमारी है जो कि जो ऑस्टियो अर्थराइटिस है वो क्या होता है कि एडल्ट एज में जा ज़्यादा पाया जाता है मतलब एडल्ट जो पर्सन होते हैं फिफ्टी प्लस या सिक्सटी प्लस उनमें ज़्यादा ये ऑस्ट्रियोर्थराइटिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा उस जॉइंट का यूज़ हो चुका होता है वियर एंड टीयर वाला मामला होता है उसके चलते जो कार्टिलेज होता है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है ठीक है और उसकी वजह से कार्टिलेज क्या करता है कि एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है जब कार्टिलेज ही ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा तो फिर बोन वगैरह परस्पर टकराना शुरू करेंगी और उसकी वजह से मूवमेंट में इफ़ेक्ट पड़ेगा पेन होगा स्वेलिंग होगी ठीक है मोबिलिटी में दिक्कत आएगी ये सारी समस्याएं होने लगती है तो ऑस्ट्री अर्थराइटिस एजेड पर्सन में ज़्यादा होता है दूसरी बीमारी है रिमोटाइड अर्थराइटिस ये आपकी आटो अम्यून डिजीज होती है आटोम्यून डिजीज़ क्या मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और हमारी सेल को ही डैमेज करना शुरू कर देता है तो इस तरह की बीमारी आपकी आटोम्यून डिसऑर्डर या डिजीज़ कहते हैं उसमें से एक है आपकी रिमोटाइड अर्थराइटिस इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल को डिस्टर्ट करना शुरू कर देता है तो ये पर्टिकुलर आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट डालते हैं और इसके चलते क्रोनिक इन्फ्लामेशन आकर होता है अब क्रोनिक जब इन्फ्लामेशन आकर होगा तो अभी इसी बात उस पर्टिकुलर एरिया में जॉइंट्स पे सोइलिंग है पेन है स्टिफनेस है ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं ठीक है दूसरी डिजीज़ हो गई तीसरी डिजीज़ हमारी गाउट है तो हमारे गाउट जो फॉर्म होता है हमारे जॉइंट्स में वो कैसे होता है कि जो हमारे यूरिक एसिड होता है जो कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट है ये डिपॉजिट होने लगता है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट्स में जाके डिपॉजिट होने लगेगा और किस्टल फॉर्म कर लेता है अब इसके चलते उस पर्टिकुलर ज्वाइंट्स पे इन्फ्लामेशन आकर होता है और उसके चलते सोइलिंग है पेन है रेडनेस uh, है ये सारी चीज़ें होने लगती हैं ठीक है तो मूवमेंट में अल्टीमेटली इफेक्ट आता है अगली जो ज्वाइंट की डिजीज है जुवेनाइल आइडोपैथिक अर्थराइटिस ये ज़्यादातर बच्चों में होती हैं क्रोनिक अर्थराइटिस ये होती है और इसका कारण एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि किस वजह से होता है मगर ज़्यादातर ये बच्चों में होती है पर्टिकुलर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन ऑक्र हो जाता है और उसके चलते मूवमेंट पे असर पड़ता है अगली बीमारी है बुरसाइटिस एक बुरसा आपकी लेयर होती है और सैक आप कह सकते हैं उसमें फ्लूइड फिल होता है ठीक है जॉइंट्स में जो कि मोबिलिटी में उसका या फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसका अहम योगदान होता है तो यही बुरसा में इन्फ्लामेशन ऑकर हो जाता है जिसे कहते हैं बुरसाइटिस अब इन्फ्लामेशन ऑकर होने की वजह से वो जो सैक था जिसमें फ्लोइड फिल था और जो आपके फ्रिक्शन को कम करते थे वो अब कम नहीं कर पाते और इसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया में सोइलिंग है पेन है ये सारी चीज़ें आती हैं और मूवमेंट पे असर पड़ता है नेक्स्ट बीमारी आपकी है टेंडीनाइटिस जो कि आपके टेंडन होता है आपको पता है ना मसल और बोन को जो कनेक्ट करता है उसे टेंडन कहते हैं इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसके चलते उस पर्टिकुलर ज्वाइंट पे असर पड़ता है लास्ट है ऑस्टियोप्रोसिस ये कौन सी बीमारी है तो आपकी बोन इसमें वीक हो जाती है मतलब जो कैल्शियम था वो कैल्शियम अब एज के साथ साथ वहाँ से हटने लगता है और ऑस्टिप्रोसिस ऑकर होती है बोन वीक हो जाती है और उसके फ्रैक्चर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं ऑस्टोप्रोसिस ज़्यादातर आपके एजेड पर्सन मिलेंगे और ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कागुलेशन ब्लड कैसे क्लॉट होता है उसका मैकेनिज्म पूछा गया है तीन नंबर में यहाँ पे मैंने थोड़ा लॉन्ग टाइप पे इसको कर दिया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोग सिंपल सा भी एक आता है चफलो चार्ट आप वो बना देंगे तीन नंबर के लिए सफिशियंट यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको तो ब्लड कागुलेशन को हम अदर नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं हीमोस्टेसिस इस्टैसिस और हीमोस्टेसिस में अंतर है हीमोस्टेसिस क्या है कि ब्लड का कहीं पे बहाव कर रुक जाना और होम्योस्टैसिस क्या है कि इंटरनल इन्वामेंट जो बॉडी का इन्वामेंट होता है उसको मेनटेन करना यहाँ पर हीमोस्टेसिस वर्ड यूज़ किया है हीम मतलब आप जानती आयरन की बात हो रही है हीमोस्टेसिस तो ब्लड कागुलेशन का दूसरा नाम हीमोस्टेसिस है ये कई रिएक्शंस होती हैं कई कॉम्प्लेक्स सीरीज की रिएक्शंस होती हैं तब जाके आपका ब्लड का क्लॉट फॉर्म होता है पहला क्या है पॉइंट वेस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन जब कहीं पे इंजरी होती है और ब्लड का रिसाव शुरू होता है या कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो पहला जो एक्शन होगा वो होगा कि आपकी वेसल क्या होगी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी सिकुड़ेगी ताकि ब्लड कम से कम रिसे ठीक है और ये जो ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते ब्लड या वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है उसमें आपके सेरोटोनिन है इंडोथेलिन है आ, ये आपके ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन में अहम रोल प्ले करते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग अब कहीं भी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो प्लेटलेट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाता है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर इंजरी हुई है ठीक है और ये किसके चलते होता है तो एक आपको प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं वोन विल बर्डन फैक्टर तो इसके चलते प्लेटलेट उस पर्टिकुलर एरिया में आके अडेयर होता है इकट्ठा होता है और प्लेटलेट का प्लग फॉर्म कर लेता है वो एक बार जब ये प्लग का फॉर्मेशन कर लेता है तो ये अपना शेप चेंज करता है और डिफरेंट टाइप के आपके सब्सटेंस को रिलीज करता है जैसे ए को रिलीज़ करता है थ्राम बॉक्जेन ए टू को रिलीज़ करता है सेरो को रिलीज़ करता है तो ये सारे क्या काम करते हैं फर्दर प्लेटलेट को उस साइड पे बुलाने का काम करते हैं ठीक है तो इस केमिकल जब ज़्यादा रिलीज़ होगा तो और प्लेटलेट को एहसास हो जाएगा कि हमें इस पर्टिकुलर एरिए में जाना है और इकट्ठा होना है तो और सारे प्लेटलेट वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं अब बात आती है ब्लड कागुलेशन की एग्जैक्ट ब्लड कागुलेशन कैसे होता है तो दो टाइप के आपके पाथवे यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं एक आपका इंटेंसिक पाथवे कहलाता है दूसरा आपका एक्सटेंसिक पाथवे कहलाता है ठीक है ये दोनों पाथवे अलग अलग, अलग डायरेक्शन में शुरू होते हैं और बीच में आके कहीं पर एक इकट्ठा होते हैं जिसे कहते हैं कॉमन पाथवे और फिर लास्ट में जाके आपका जो फाइब्रिनोजेन होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें फाइब्रिन में फाइब्रिनोजन जो कि आपका सारिबुल प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें फाइब्रिन में फाइब्रिन कैसा स्ट्रक्चर बनाता है मिश लाइक जाल नुमा इस्टचर बनाता है जिसमें आपके ब्लड सेल्स आ ट्रैप होती हैं और फिर उस प्लेटलेट्स हैं ब्लड सेल्स हैं ये सब ट्रैप होती हैं और क्लॉट का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं राइट अ नोट ऑन स्प्लीन स्प्लीन पर आपको नोट लिखना है तो हमने यहाँ पर डाइग्राम भी दे दिया है ताकि और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि स्प्लीन होता क्या है डायग्राम देख लीजिए आप में क्या क्या चीज़ें इसमें उपस्थित होती हैं रेड पल्प होता है वाइट पल्प होता है बताइए दिखने की वजह से इसका नाम रखा गया है रेड पल्प वाइट वाइट पल्प वैस्कुलर सिनोसाइड वो जो एरिया होता है जहाँ से कोई चीज़ ट्रेवल कर रही होती है ठीक है बारीक बारीक नाली कह लो ट्रेबिकूला कैप्सूल आर्ट्री वेंस जिसके थ्रू ब्लड आता है और जाता है यह है सिंपल स्ट्रक्चर किसका स्प्लिन का अब स्प्लिन होता क्या है तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि आपके कहाँ पर उपस्थित होता है लेफ्ट एवडोमिन के अपर साइड में डायफ्राम होता है ना जो आपका लंग्स है उसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है डायफ्राम के जस्ट नीचे आपका पाया जाएगा लेफ्ट साइड में स्प्लिन ठीक है ये आपका लिम्फैटिक सिस्टम का एक अहम हिस्सा है जो कि आपका डिफेंसिक मैकेनिज्म शो करता है मतलब डिफेंस करने का काम करता है अगर हम इसके एनोटमी की बात करते हैं तो ये आपका ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है चार से पाँच इंच लंबा होता है वेट इसका डेढ़ सौ ग्राम एडल्ट में पाया जाता है ठीक है एबडामिन कविटी में पाया जाता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे ये उपस्थित होता है इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये इम्यून फंक्शन फंक्शन शो करता है चूँकि इम्यून सिस्टम का ये आपका या लिम्फाइटिक सिस्टम का ये पार्ट है इस वजह से ये इम्यून फंक्शन शो करेगा कैसे करेगा कि जो आपके ओल्ड या डैमेज रेड ब्लड सेल्स हैं या बैक्टीरिया या फॉरेन सब्सटेंस है ये जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये उसको क्या करता है फिल्टर करता है आरबीसी का ये ग्रेवयार्ड भी कहलाता है ठीक है इसमें आपके एक स्पेशलाइज सेल होती हैं जिसे कहते हैं माइक्रोफेज macrophage. माइक्रोफेज़ क्या काम करते हैं आपके जो बैक्टीरिया वगैरह है जो फॉरेन सब्स्टांस हैं उसको इंगल्फ कर लेता है ये माइक्रोफेजेस और इंगल्फ करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय करता है डिस्ट्रॉय करके इसको रिमूव करने का काम करता है दूसरा पॉइंट है हीमेटोपोएसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन करना तो जब फेटल डेवलपमेंट मतलब जब अभी ग्रो कर रहा होता है चाइल्ड मदर के वूम में तो उस टाइम में आपका स्प्लीन हिमेटोपोसिस का काम करता है ब्लड सेल का निर्माण करता है ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने का काम करता है कब फिटल लाइफ के दौरान ठीक है तो इसलिए इसको हिमाटोपोसिस एक इसका फंक्शन है और तीसरा जो फंक्शन है ब्लड स्टोरेज एंड रिसाइकिल ये ब्लड को स्टोर भी करता है ठीक है इसलिए ब्लड रिजर्वायर भी इसको कहते हैं और ये ओल्ड जो आपकी आर बी सी वगैरह होते हैं उसको रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं उसको तोड़ने का भी काम करता है अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरीशन रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म इसने पूछा है कि आप सांस कैसे लेते हो उसका मैकेनिज्म पूछा है ठीक है आपको पता है कि आप दो प्रोसेस करते हो इन्हीलेशन और एक्सहेलेशन मतलब एक बार सांस खींचते हो जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है एक बार आप सांस छोड़ते हो जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो यही मैकिन पूछा है उसने तो पहला पॉइंट है वेंटिलेशन इसमें इन्हेलेशन और एक्सिलेशन प्रोसेस होती है इन्हेलेशन में क्या होता है कि आपके जो डायफ्राम है वो कॉन्टैक्ट होता है मतलब नीचे की तरफ खींचता है पुल को होता है और इंटरकोस्टल मसल होती है रिप्स के बीच में जो मसल पाई जाती है उसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल ये भी आपका कॉन्टेक्ट होगी तो इसकी वजह से जब आप इन्हेल करोगे देखते हो सीना आपका फूलता है तो उस टाइम क्या होता है कि लंग्स का वैलूम इंक्रीज होता है और उसमें एयर फिल्ड होना शुरू होती है ये होता है इनहेलेशन एक्जेलेशन में क्या होता है डायफ्राम फर्दर अपनी वापस अवस्था में पहुंच जाता है मतलब वो रिलैक्स मोड में जाता है और जो आपकी इंटरकोस्ट्रल मसल्स होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है इसके चलते लंग्स पर आपके दबाव पड़ता है और जो एयर लंग्स के अंदर भरी होती है वो आप एक्सपेल करते हो मतलब बाहर निकाल देते हो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्साइलेशन प्रोसेस कहते हैं तो ये वेंटिलेशन के अंतर्गत आता है दूसरा पॉइंट है गैस एक्सचेंज इन लंग्स लंग्स में कैसे गैस का एक्सचेंज होता है तो जब आप इन्हेल करते हो तो ऑक्सीजन आपका रिस्पाइटरी ट्रैक्स होता हुआ पहुँचता है कहाँ पर एलवलाई में ठीक है या एलवलस में अगर सिंगल की बात करते हैं एलवेल्स और प्यूरल की बात करेंगे तो एलवलाई तो एलवल सैक में ये पहुँचता है और वहाँ से ऑक्सीजन आपका डिफ्यूज़ होके पहुँचता है ब्लड की कैपलिरीज में वहीं पे ब्लड की कैपरी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर पहुंचता है एलवलाई में ठीक है तो गैस का यहाँ पे एक्सचेंज होता है कहाँ पे एलवलाई या एलवेड सेक में गैस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन पहुँचेगा ब्लड कैपरी में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपरी से निकल के पहुँचेगा कहाँ पर लंग्स में या एलवलाई या या में फिर वहाँ से होता हुआ स्पाइटरी टैक्स से होता हुआ नाक से होता हुआ बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो जब ऑक्सीजन आपका ब्लड कैपिलरी में पहुंच गया तो अब वहां से वो ब्लड ट्रेवल करेगा आपके लेफ़्ट एट्रियम में आएगा हार्ट के लेफ्ट वेंटिकल में पहुंचेगा और फिर वहां से होता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना वेनाकेवा से होता हुआ राइट एट्रियम में पहुँचेगा राइट वेंटिकल में पहुँचेगा और फिर वहाँ से होता हुआ आपके लंग्स में पहुँचता है और फिर वहाँ से एटमोसफेयर में पहुँच जाता है अगला पॉइंट है सेलुलर इंस्पाइरेशन अब जो ऑक्सीजन आपने इन्ेल किया था ब्लड सर्कुलेशन पहुँच पूरी बॉडी में पहुंच रहा था अब वहां से ब्लड कैपी से वो सेल तक कैसे पहुंच रहा है तो ब्लड कैपी से निकलता है ऑक्सीजन और सेल जिस सेल को भी ज़रूरत होती है चूँकि हर सेल को जरूरत होगी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर पहुँच जाएगा वहीं पर मेटाबोलिक प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो सेल कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिलीज़ करेगी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता हुआ ब्लड कैपिलरी में आ जाएगा और फिर वहाँ से होता हुआ वो आपके हार्ट में हार्ट से होता हुआ लंग्स लंग्स में से होता हुआ आपके एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट ब्लड ग्रुप तीन नंबर में आया है कि ब्लड ग्रुप के बारे में आपको लिखना है ठीक है तो ब्लड ग्रुप मेजरली आपके कई टाइप के होते हैं मगर दो ऐसे टाइप हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इसमें से पहला है ए बी ओ सिस्टम और दूसरा है आर एच सिस्टम ठीक है अब ये ब्लड ग्रुप जो हैं किस आधार पे बने तो आर बी सी जो आपकी होती है उस पर एंटीजन पाए जाते हैं और उसी एंटीजन के आधार पे आपका ब्लड ग्रुप डिफाइन किया गया ए बी ओ सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी और ओ ए ऐसा ब्लड ग्रुप जिस पर एंटीजन ए पाया जाएगा जिस भी आर बी सी पे एंटीजन ए पाया जाएगा उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए जिस आर बी सी पे एंटीजन बी पाया जाएगा उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप बी जिस आर बी सी दोनों पाया जाए ए एंटीजन पाया जाए और बी एंटीजन पाया जाए उसे कहते हैं ए बी ग्रुप और जिस आर पे कोई भी एंटीजन ना पाया जाए उसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप ठीक है तो ये चार टाइप के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं जिसपे ए एंटीजन पाया गया वो ए ग्रुप हो गया जिसमें बी एंटीजन पाया गया वो बी ग्रुप हो गया जिसमें दोनों पाया गया वो ए बी ग्रुप हो गया और जिसमें कोई नहीं पाया गया वो आपका ओ ब्लड ग्रुप हो गया ये तो एंटीजन हो गई और ऐसे ही आपका क्या होता है बॉडी की बात होती है ठीक है तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा और जो बी वाला ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी बॉडी क्या कौन सा पाया जाएगा ए पाया जाएगा और जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा उसमें ए और बी एंटीबॉडी पाया जाएगा मतलब दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा दूसरा जो आपका ग्रुप है वो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है तो आर जो सिस्टम वो किसके उस पर पड़ा है इसको कहते हैं रीसस मंकी में पहली बार पाया गया था इसी वजह से आर ब्लड ग्रुप रखा गया इस पर होता क्या है कि आर पे आपके रेड ब्लड सेल पे आर एंटीजन पाया जाता है ठीक है इस ये आर आपका ब्लड ग्रुप भी ये कहलाता है मतलब आर के सरफेस पे उस सेल के सरफेस पे आर एंटीजन पाया जाता है ठीक है तो ये आपका आर एच ब्लड ग्रुप इसीलिए कहा जाता है अब जिस पे पाया जाएगा वो पॉजिटिव हो गया जिस पे नहीं पाया जाएगा वो निगेटिव होगा तो आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है तो जिसका जिस शख्स का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है इसमें कि उसके आर बी सी पे आर एच एंटीजन है और अगर वो वाला ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो मीन कि उसके आर बी सी पे आर एच उपस्थित नहीं है आर्य चिंटीजन उपस्थित नहीं अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे दिया जा सकता है उसको देख लेते हैं मतलब तो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं ना ब्लड डोनेट आप करते कि किसी को चढ़ जाए तो ए वाला किसको दे सकता है बी वाला किसको दे सकता है ए बी किसको दे सकता है ओ तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो ए और ओ ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है बी वाला किसको बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो बी वाले को रिसीव करता है साथ साथ ओ वाले को भी रिसीव कर सकता है ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो किसको रिसीव करेगा ये आपका यूनिवर्सल रिसपेंट कहलाता है मतलब ये सारे ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है और ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है ये केवल सिर्फ ओ वाले को ही रिसीव करेगा और ये डोनर है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है तो ये सबको अपना ब्लड दे सकता है क्वेश्चन सेवन पे आते हैं डिस्कस ऑन रिफ्लैक्स एक्शन रिफ्लैक्स एक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है ठीक है तो समझ लें ये आप ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है होता है रिफ्लैक्स एक्शन इनवॉल्ट्री एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझें कि आपको अंदाजा ना हो और आपका हाथ किसी सुई पे पड़ जाए या आपका पैर किसी सुई पे पड़ जाए तो आप फ़ौरन उसे हटाते हैं यही आपका कहलाता है रिफ्लेक्ट एक्शन बट इसकी प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को समझना है तो आइए समझ लें रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्ट एक्शन में क्या क्या प्रोसेस होती है पहला स्टूमलस जो आप पे इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी सेल पे इंपैक्ट डाल रहा है वो आपका स्टूमलस कहलाता है ठीक है अब वो आपका कुछ भी हो सकता है आप हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है या आग हो सकती है सुई हो सकती है कुछ भी हो जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है वो स्टमलस कहलाता है तो पहला स्टमलस दूसरा है सेंसरी रिसेप्टर अब वो स्टमलस आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट किया तो आपकी सेंसरी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन पूरे बॉडी में होते हैं उसमें रिसेप्टर उपस्थित होते हैं तो फ़ौर उस रिसेप्टर ने इस स्टमलाई को रिसीव किया मतलब कि क्या चीज़ इम्पैक्ट पड़ रही है फ़ौर उसको रिसीव किया रिसीव किया रिसेप्टर ने और फ़ौर मैसेज भेजा सेंसी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड या आपके ब्रेन स्टेम में सेंसी न्यूरॉन क्या काम करते हैं मैसेज को ले जाते हैं सेंटर नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन क्या काम करते हैं मैसेज को लाते हैं सेंटर नर्वस सिस्टम से मैसेज को बॉडी के अलग अलग पार्ट पे लाते हैं तो सेंसी न्यूरॉन यहाँ पे यही काम कर रहा है मैसेज ले जा रहा है कहाँ पर आपके या तो स्पाइनल कॉर्ड में ले जा रहा है या तो ब्रेन स्टेम में ठीक है अब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन स्टेम में आपके इंटर न्यूरॉन उपस्थित होते हैं जो कि मैसेज को डिकोड करने काम करते हैं ठीक है जो मैसेज उस तक है डिकोड करते हैं उसके बाद वो मैसेज को मोटर न्यूरॉन के थ्रू बॉडी के अलग हिस्सों में मतलब बॉडी के अदर पार्ट्स में भेजते हैं जहाँ पे वो आपकी ऑर्गन या सेल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसे कहते हैं इफेक्टर सेल ठीक है इफेक्टर सेल पे पहुँचते हैं और इफेक्टर इफेक्टरसल क्या काम करता है फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स दिखाता है और अगर आपको सुई चुभी है तो फ़ौरन आपने वहाँ से क्या हटाया पैर हटा लिया हाथ कहीं आग पे पड़ा तो फ़ौरन आप हाथ हटा लेते हैं तो यही क्या है रिस्पॉन्स है और यही आपका रिफ्लेक्स आर्क है ठीक समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट राइट इन शॉर्ट अबाउट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग तीन आपको पॉइंट दिए गए हैं और इसके बारे में आपको राइट शॉर्ट नोट लिखना है ठीक है पहला है ग्लूकोमा ग्लूकोमा होता क्या है तो ये आपकी आई की एक कंडीशन है जिसमें आपकी ऑप्टिक नर्व क्या होती है डैमेज हो जाती है अब कैसे डैमेज होती है आकुलर प्रेशर जनरेट होता है आपकी आई में आपके अंदर इंट्रा आकुलर प्रेशर जब जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके चलते ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ता है और ऑप्टिक नर्व क्या होती है डैमेज हो जाती है और उसके चलते आपको की आँखों की रोशनी जा सकती है तो उसे ही कहते हैं क्या ग्लूकोमा अब ये टाइप्स के होते हैं कितने टाइप्स के तो पहला है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा दूसरा है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा तीसरा है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा इसको पढ़ लीजिएगा मगर एक ही नंबर में पूछा है दो ही नंबर में तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है लिख दिया हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा अगला है हीमोपोसिस हीमोपोसिस क्या होता है तो ब्लड के फार्मेसन को हीमोपोइसिस अलग अलग नाम है इसका हिमाटोपोइसिस कह सकते हैं हीमोपोइसिस कह सकते हैं ईमोपोयसिस कह सकते हैं तो ब्लड के फॉर्मेशन या ब्लड सेल के फारेसन को क्या कहते हैं हीमोपोसिस ये फॉर्म कहाँ होती है अगर फीटल लाइफ की हम बात करते हैं तो ऊपर हमने देख लिया है कि स्प्लीन में इसका फॉर्मेशन होता है और एडल्टुड में अगर हम बात करते हैं या आफ्टर बर्थ की बात करते हैं तो जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं उसका निर्माण बोन मैरो में होता है ठीक है प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है और डिफरेंट टाइप की आपकी ब्लड सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में ही मेच्योर भी होती हैं कुछ आपकी ब्लड सर्कुलेशन में जाके मेच्योर होती हैं बट मोस्टली कहाँ पे बोन मैरो में ही मेच्योर होती हैं अगला है आपका मैक्चूरेशन ये क्या होता है तो यूरिनेशन को मैक्चूरेशन कहते हैं यूरिन फॉर्म हो रहा है ना तो यूरिन कैसे आप आउटपुट कर रहे हो वो आपका कहलाता है मैक्चू रेशन तो इसमें भी आपके प्रोसेस होते हैं कि आपको कैसे यूरिन ब्लेडर से एक्सपेल कराना है बाहर कराना है उसके भी प्रोसेस होते हैं तो पहला फेज़ है फिलिंग फेज जिसमें आपका यूरिनरी ब्लेडर फिल हो रहा होता है तो ये फिलिंग फेज़ कहलाता है जब ये फिल होता है तो ये क्या करता है फिर तनता है जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हो गुब्बारा फूलता है वैसे ही आपका गाल ब्लेडर सॉरी यूरनी ब्लेडर भी स्ट्रेच होता है तो सेंसेशन ऑफ फुलनेस तो आपको एहसास होगा कि आपकी टकी भर रही है ठीक है तो यूरे ब्लेडर जब स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर उपस्थित होते हैं वो मैसेज आपका ले जाते हैं कहाँ पे ब्रेन तक ले जाते हैं और स्पाइनल कार्ड यहाँ पे भी दो टाइप से ये वर्क कर रहा होता है अल्टीमेटली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्न को सिग्नल को पास करते हैं अब एक बात जब ये पहुँच जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे तो अब वो क्या करता है कि ये मैक्चूरेशन को इनिशिएट करता है कैसे पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है वहाँ से वो सटाइल कोलिन को रिलीज़ कराता है सीटाइल कोलिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है तो आपका जो यूनरी ब्लेडर है अब वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पीरियड में जो आपके इंस्पेक्चर होते हैं वो रिलैक्स होंगे और जब रिलैक्स होंगे तो यूनरी ब्लेडर से यूरिन पास होगा और पहुँचेगा कहाँ पर आपके यूरेथ्रा में अब यूरेथ्रा में भी एक तरह का इंस्पेक्चर होता है अब यहाँ पे आपका कंट्रोल है आप यूरिन पे यहाँ पे आप अपना फोर्स लगा के रोक सकते हो कुछ हद तक तो वॉल्ट्री कंट्रोल में आता है ये अब यहाँ की जो मसल होती है ये आप पे डिपेंड है आप जब इसको रिलैक्स करोगे तो ये फिर आपकी जो इंस्पेक्चर है वो ओपन होता है और फिर यूरिन आपका आउटपुट हो जाता है आपका ब्लेडर अल्टीमेटली क्या हो जाता है खाली हो जाता है यही कहानी आपको लिखनी है अगला है मीनोपॉज मीनोपॉज़ क्या होता है तो ये आपका नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है फ़ीमेल्स में मतलब वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं उसका ख़त्म होने का एक तरह का मार्कर है मीनोपॉज़ ठीक है इसमें क्या होता है कि फीमेल्स में परमानेंटली जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा था अब ये समाप्त हो जाएगा उसी का ये इंडिकेशन होता है कि अब इसके बाद फीमेल्स को कभी मेंस्ट्रुएशन आएगा नहीं परमानेंटली ख़त्म हो जाता है और ये एज इनकी तकरीबन आपकी 45 से 55 साल एवरेज एज रखी गई है फ़ीमेल्स की इस दौरान उनका मीनोपॉज आ जाता है और फर्दर वो फिर आगे मेंस्ट्रुएशन वाला प्रोसेस उनके साथ नहीं होगा और जब ये नहीं होता है तो रिप्रोडक्शन मतलब फर्दर वो आगे कंसीव करने की ताकत या क्षमता नहीं रख पाती ठीक है इसमें क्या होता है कि जो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगला पॉइंट है हाइपरटेंशन, तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं ब्लड के द्वारा प्रेशर आपके ब्लड की कैपरीज़ या ब्लड वेसल्स पे लगाया जाता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं अब यही प्रेशर ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है जब वही रेंज से ऊपर जाता है तो वही आपका कहलाता है क्या हाइपर टेंशन आ रही बात समझ में नॉर्मल जो रेंज रखी गई है एक स्टैंडर्ड रेंज होती है जिसे आप लोगों ने सुना होगा 120 सौ बीस अस्सी तो ये स्टैंडर्ड रेंज होती है एक रेंज होती है कि सिस्टोली की नब्बे से एक एक रेंज सिस्टोली की हो गई डाइस्टोली की होती है साठ से नब्बे तो डाइस्टोलिक अगर 90 से ऊपर जा रहा है तो ये हाइपरटेंशन कैटेगरी है और वहीं पे सिस्टोलिक अगर 140 सौ के ऊपर जा रहा है तो भी हाइपरटेंशन टेंशन ये कैटेगरी के अंतर्गत आता है अलग अलग टाइप के आइप के हाइपर है होते हैं जैसा कि प्राइमरी हाइपर जो कि एसेंशियल हाइपर होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी हाइपर कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके चलते हाइपर टेंशन ऑकर होता है ठीक है और हाइपरटेंशन साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है यह आपकी बॉडी के अदर अदर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग नीचे तीन का फुल फॉर्म आपको लिखना है आरबीसी आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है ए का फुल फॉर्म आटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है टी का फुल फॉर्म थाइराइड स्टमलेटिंग हारमोन जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जी का फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मैंस्चुएशन मैंटुएशन की फिजियोलॉजी पूछा है उसके बारे में डिस्कस करना है तो इसके भी कई फेजेस होते हैं तो पहला पॉइंट देख लें मैंस्चुअल साइकिल ये आपकी अट्ठाईस दिन की होती है फीमेल्स में मोस्टली ठीक है दूसरा पॉइंट देख लें हार्मोनल रेगुलेशन तो मैंसुअल साइकिल के दौरान डिफरेंट टाइप के हार्मोन का रेगुलेशन होता है जैसे एस्ट्रोजन है प्रोजेस्ट्रॉन है और इस फेज़ को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है फॉलिकुलर फ़ेज़ ओवोल्यूशन फेज़ और ल्यूटियल फ़ेज़ फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि पहले मेस्ट्रेशन का पहला दिन क्या होता है कि हार्मोन जो आपके फॉलूकल स्टूमलेटिंग हार्मोन एफ के नाम से जाना जाता है ये आपके प्रैंड से रिलीज होता है और ये स्टूमलेट करता है ओवरी में उपस्थित फॉलिकल्स को ताकि वो ग्रो करें और मेच्योर हों एक बार फॉलिकल मेच्योर हो जाता है चूँकि फॉलिकल के अंदर ही आपका ओहम उपस्थित होता है तो फॉलिकल जब मेच्योर होता है तो ओवम रिलीज़ करता है तो इस फेज़ को कहते हैं ओवल्यूशन ठीक है ये मिडिल साइकिल uh, के मिडिल फेज में होता है चौदह से अट्ठाईस दिन रखा गया है और इस फेज़ में क्या होता है कि ल्यूटनाइजिंग जो हार्मोन होता है ये ट्रिगर करता है और मेच्योर एक को फॉलिकल से रिलीज़ कराने का काम करता है ल्यूटियल फेज इसमें क्या होता है आप एवोल्यूशन के बाद ओवोल्यूशन के बाद जो आपका फॉलिकल बचा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें कॉर्पस ल्यूटियम में और ये रिलीज़ करता है हार्मोन को प्रोजेस्टान हार्मोन को प्रोजेस्टॉन हार्मोन हेल्प करता है यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए ताकि एक फर्टिलाइज हो सके अगला जो पॉइंट है यूट्राइन चेंजेस तो साइकिल के दौरान आप यूटरस जो होता है उसमें बहुत सी चेंजेस आना शुरू होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड जैसे यूटरस की जो लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग होती है जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं वो थिक होने लगती है ठीक है वेस्कुलराइज होने लगती हैं काफ़ी वेसल्स वहाँ पे फॉर्म होने लगती हैं और जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली वो डैमेज होना शुरू होते हैं और उसी को कहते हैं क्या मेस्ट्रेसन वो पूरा चीज़ें जो भी हैं फॉर्म हुआ था वो टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाता है पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विथ एग्जाम्पल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का के बारे में आपको लिखना है और उसका एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे आपको डायग्राम में प्रॉपर दिख रहा होगा कि बॉल एंड सॉकेट क्या कहते हैं किसे कहते हैं तो बॉल नमा आपकी हड्डी होती है एक तरफ और एक तरफ आपका सॉकेट होता है जिसमें वो फिट होता है और आसानी से मूव करा सकते हो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपका जो शोल्डर है आपका स्कैपुला और उसमें आपका ह्यूमरस जो फिट हुआ है ये बॉल एंड सॉकेट का एक बेहतरीन एग्जांपल है ऐसी एक एग्जांपल आप हिप बोन को और फीमर बोन को ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे और कैसे इसका मूवमेंट होता है तो डिफरेंट टाइप का इसका मूवमेंट होता है जैसे एबडक्शन एडक्शन अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़े होगे तो उसमें दिया है कि क्या क्या मूवमेंट होते हैं रोटेशन के बेस पेन इनका फ्लैक्जन है एक्सटेंशन है एबडक्शन है एडक्शन है ये सारे क्या हैं प्लेन से इस प्लेन से ये मूव करते हैं अगला पार्ट जो पार्ट सी बचा है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे